हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जे जे एटमल ब्लॉग्स। और मैं हूं जितेश। तो जितने भी मेरे भाई पुराने भाई हैं उन सबको तो पता होगा, अभी हमने रिसेंटली अपनी न्यू कार परचेज करी है जो है विटारा ब्रेजा LXi। और रिसेंटली भाई इसकी जो हमने एक वीडियो डाली थी रिव्यू वाली वीडियो, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार हम इसके अंदर बहुत सारी मतलब मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ ये मॉडिफिकेशन एसेसरीज का पार्ट वन है। पार्ट वन भी मैं ऐसे कहूँगा क्योंकि भाई जब हमने गाड़ी परचेज करी थी उसी टाइम मैंने कुछ जेन्युइन मारुति सुजुकी की एसेसरीज भी परचेज कर ली थी, बट उस टाइम वो गाड़ी का जो था वो सब स्टॉक में नहीं था पार्ट्स। बट आज फाइनली वो सारे जो पार्ट्स हैं वो स्टॉक में आ चुके हैं। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ी लिया भाई, जेन्युइन जो मेरा मन था सबसे पहले इंस्टॉल करवाने का वो था भाई आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवाना। तो भाई यस, आज भाई अपना जेन्युइन अपना टॉप मॉडल वाला आर्मरेस्ट इसके अंदर इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं। बाकी भाई एक दो मेन चीज़ें भी हम इसके अंदर इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो वीडियो में भाई हर एक चीज़ मैं बता दूंगा कितनी की प्राइसिंग थी क्या थी। तो वीडियो में बने रहना भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। तो भाई एक बार ये आप कुछ लुक देख सकते हो अपनी बिना आर्मरेस्ट के, कुछ ऐसी है। और ये वाला पार्ट के पे हमारा जो आर्मरेस्ट है इंस्टॉल हो जाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल टाइप OEM वाला लगेगा। तो जैसी इसकी इंस्टॉलेशन होगी उसके बाद आप लोगों इसके फाइनल लुक, बट बिफोर लुक आप लोग देख सकते हो और पूरा आप लोगों को वर्क करके मैं दिखाता हूँ। Few minutes later. सो गाइज, आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ इंस्टॉलेशन अब हमारा जो ये आर्मरेस्ट है फाइनली हमारी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। और भाई आप इसके लुक देख सकते हो, तो भाई ये LXi मॉडल के अंदर भी भाई ओरिजिनल हमारा जेन्युइन ZXi प्लस वाला आर्मरेस्ट हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवा दिया। बाकी भाई फिटिंग आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर है और कोई भी ऐसे भाई कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है, जस्ट आपका ओरिजिनल पार्ट ये वाला पार्ट रिमूव होके ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है भाई इसके अंदर कंप्लीट अपना लेदराइज्ड है और ये अपना मूवेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो भाई ये चीज़ मुझे जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगी थी और मैंने सोचा भाई ये मुझे लगवाना जरूर था जब भी मैंने भाई MGP से ही जेन्युइन परचेज कर लिया था। बाकी अंदर यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता अपना सामान वगैरह रखने के लिए। और देखो एक बार पीछे से मैं आप लोगों को इसके लुक दिखा देता हूँ और पूरे इंस्टॉलेशन को दिखा देता हूँ कौन सा पार्ट हमारा चेंज हुआ था। तो भाई ये वाला हमारा जो पार्ट था वो एज इट इज़ रिमूव हो गया था। और यहाँ पे आप स्क्रूज देख रहे हो, ये वाला पार्ट भाई जस्ट 2 अनस्क्रू है और हमारा जो गियर लीवर वाला पार्ट है वहाँ पे एक थोड़ा सा लिफ्ट हुआ था, रिमूव होके अपना जेन्युइन पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। देखो तो पीछे से लुक काफ़ी बढ़िया आ रही है। यहाँ पे हमारा जो स्पेस पहले था, देखो जो ये वाला स्पेस था वो रिमूव होके अब हमारा अंदर आर्मरेस्ट के अंदर स्पेस आ चुका है। तो उसके बॉक्स वगैरह हर चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, MRP वगैरह दिखा दूंगा। तो एक तो मेन चीज़ भाई हमने ये ली थी, बाकी एक दो चीज़ें हमने इसके अंदर और ऐड कराई है कंपनी से, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कि भाई जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फ्यूचर में हमारे गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स हैं, तो अभी टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए कुछ तो हमें इंस्टॉल करवाना था। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर भाई मैट इंस्टॉल करवाया क्योंकि मैट के बिना भाई काम नहीं चलता है, यहाँ पे भाई डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो एक दो दिन मैंने विदाउट मैट चलाया, देख सकते हो भाई थोड़ा बहुत अपना डस्ट आ चुका है। तो ये भी अपने जेन्युइन अपने मारुति सुजुकी के ही मैट्स हैं। अगेन भाई MRP वगैरह हर चीज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये अपना सेट ऑफ 3 में आए थे, मतलब 2 आगे फ्रंट अलग और बैक वाला भी दिखा देता हूँ एक बारी, ये अपना सिंगल पीस के अंदर, ये देखो। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो भाई इसके अंदर हमने स्टेयरिंग कवर भी इंस्टॉल करवा लिया है, आप देख सकते हो पूरा स्टेयरिंग कवर, ये देखो। तो अपना भाई डुअल टोन में कह सकूँ डिज़ाइन में, यहाँ पे पंच्ड कपड़ा है और यहाँ पे अपना नॉर्मल कपड़ा है। तीसरी चीज़ भाई ये इसके अंदर इंस्टॉल कराई है। बाकी फोर्थ चीज़ बहुत एक बेसिक सी, ये भी भाई पूरा अपना परफ्यूम। तो बेसिकली भाई पूरी किट होती है जो मैंने परचेज कर ली थी कंपनी से, ये भी आप देख सकते हो। और जो लास्ट चीज़ हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई है वो भी MGP के जनरल अपने मड फ्लैप्स, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो भाई। तो प्रॉपर अपने जो रॉकेट बटन होते हैं उसी से इसकी इंस्टॉलेशन हुई है। बैक में भी एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये अपना सेट ऑफ 4 था, ये देख सकते हो पूरा। तो भाई ये बेसिक सी चीज़ें हमने इसके अंदर इंस्टॉल करवाई थी। एक बार अब मैं आप लोगों को सबके इसके बॉक्सेस और प्राइसिंग भी बता देता हूँ। तो जो बड़ा वाला बॉक्स देख रहे हो भाई, ये अपना मारुति सुजुकी का जेन्युइन अपना आर्मरेस्ट का बॉक्स है। और यहाँ पे भाई इसका पूरा पार्ट नंबर वगैरह आप देख सकते हो, ये रहा। और जो प्राइस पड़ी थी भाई 3215 रुपये, 3215। जो आप मैच देख रहे हो भाई उसकी प्राइसिंग अपनी ये रही 1190। भाई जो आपने स्टेयरिंग अगर आप देखा वो भी अपना भाई जेन्युइन MGP का। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था भाई सारी मारुति सुजुकी की जेन्युइन एसेसरीज इंस्टॉल करवाई है, ये अपना ये रहा। बाकी भाई जो मड फ्लैप है, मड फ्लैप की जो कॉस्टिंग थी वो थी अराउंड 690 या 790, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, उसका पेपर मुझे मिल नहीं रहा था, वरना वो भी मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाता। और जो लास्ट चीज़ हमने भाई परचेज़ करी है वो हमने ये ली है कार वैक्स किट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की, यहाँ पर भी आप लोगों को ब्रांडिंग मिलेगी, देखो। तो इसकी जो कॉस्टिंग है भाई वो है 349, 350 रुपये की ये पड़ी थी। तो सारी चीज़ें हमने भाई इसके अंदर इंस्टॉल करवा ली है और ये भी आप पूरा देख सकते हो। बाकी भाई इससे रिलेटेड फ्यूचर में बहुत सारे प्लान्स आने वाले हैं, तो अभी टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए हमने ये सब इंस्टॉल करवाया था। तो बेसिकली मेन मोटिव तो यही था आप लोगों को इसका आर्मरेस्ट दिखाना, कि आप भाई बेस मॉडल के अंदर टॉप मॉडल वाला जेन्युइन आर्मरेस्ट भी लगवा सकते हो।
सो गाइस आप लोगों ने अपनी मारुति सुजुकी जेन्युइन एसेसरीज जो हमने इसके अंदर इंस्टॉल करी थी वो सब आप लोगों ने देख लिया। तो भाई अभी जो प्लान्स है इससे रिलेटेड बहुत 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 सारे प्लान्स है। इंटीरियर में मैंने बेसिकली भाई दो तीन एसेसरीज है जानबूझ के परचेज कर ली थी क्योंकि इंटीरियर का काम इसका सबसे मैं कह सकता हूँ लास्ट में होने वाला है। तो ये बेसिक चीजें तो भाई हमें गाड़ी के लिए चाहिए ही थी, तो मैंने सोचा भाई जब हम गाड़ी परचेज करें उसी के साथ में छोटी मोटी चीजें हम डलवाई दें। बाकी भाई जो मेरा मेन मन था वो था कि आमरेस्ट में कंपनी से जेन्युइन अपना इंस्टॉल करवाऊँ और वो मैंने भाई इंस्टॉल करवा लिया। और बेसिकली भी आज के वीडियो का पर्पज भी यही था कि आप बेस मॉडल के अंदर बिल्कुल ZXi प्लस वाला जो आमरेस्ट आता है वो आप इसके अंदर इंस्टॉल करवा सकते हो। भाई मतलब इंस्टॉलेशन में बताऊँ सिर्फ 5 मिनट लगे, आपके 2 स्क्रूज खुले, आगे से 1 स्क्रू खुला, पार्ट निकला और एज इट इज अपना OEM पार्ट इसके अंदर इंस्टॉल हो गया। बाकी भाई आपके पास एक ऑप्शन और आता है, एक वुडन आर्मरेस्ट वाला ऑप्शन आता है, तो एक तरह से भाई वो मतलब वो ऊपर से ही लग जाता है और वो हिलता भी रहता है। उसकी बिल्कुल हम जो स्नग फिट कहते हैं उसे नहीं कह सकते, बट ये वाला बिल्कुल अपनी ओरिजिनल फिटिंग के साथ था, कोई कंपनी नहीं आएगी क्योंकि भाई मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट तो कोई दिक्कत वाली बात तो आनी ही नहीं थी। प्राइसिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया भाई, 3215 रुपये का मुझे पड़ा, शायद आप लोगों को आफ्टर मार्केट में थोड़ा सा और सस्ता मिल जाए, बट भाई अगर कंपनी से परचेज करोगे तो यही प्राइसिंग है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं होते। तो आई होप भाई आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा मत जाना, बहुत मजा आने वाला है। मतलब गाड़ी आप देख लो, बिफोर एंड आफ्टर लुक आप लोगों के साथ शेयर हो ही रही है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।